क्या हाल है सभी के। जैसा कि आप सबको पता है, कंपटीशन बहुत करीब आ चुका है। अब सिर्फ 10 दिन रह चुके हैं और फिलहाल अब से मैं अपडेट देनी शुरू कर दूंगा क्योंकि पीक वीक भी आने वाला है। और आज मैं आया हुआ हूँ कहीं बाहर अपने शहर से। और आज का हाँ, तो आज हम इसलिए व्लॉग इसलिए भी बना रहे हैं ये क्योंकि अब हम आज करेंगे अपना जिम से बाहर का वर्कआउट, क्योंकि यहाँ पे जिम शायद अवेलेबल नहीं हो पाएगी तो थोड़ा लग रहेगा। हाँ। प्लस आप घर से बाहर अपनी डाइट कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं, वो सब चीजें आपको। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ भाई एक फंक्शन है, जागरण है, तो यहाँ पे तो पूरी बनेंगी तो उसकी वजह से शाम को बनेंगे जो भी मेन चावल वावल का होगा। सुबह मैं आया हूँ यहाँ से गाँव से बाहर अपना कार्ब लोड करने बिरयानी से। और फिलहाल मैं कार्ब डिप्लीशन पे नहीं चल रहा हूँ क्योंकि मेरे कार्ब्स बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाते हैं, मैं काफ़ी जल्दी डिप्लीट हो जाता हूँ, तो वाटर अभी थोड़ा होल्ड हो रहा है, इस वजह से बॉडी थोड़ी सॉफ्ट है। बट जैसे ही मैं कार्ब डिप्लीशन पे जाऊँगा अपने आप डिटेलिंग आ जाएगी और पीक वीक में मैं आपको बताऊँगा कार्ब डिप्लीशन कैसे होता है, वाटर मैनिपुलेशन कैसे होता है और कंडीशनिंग को कैसे कितना इम्प्रूव कर सकते हैं आप, और सबसे बड़ी बात नेचुरली। तो 23 का है मसलमेनिया, 22 को सैंपल लेने जाना है, तब तक के मैं आपको सारे अपडेट देता रहूँगा। और ये है मेरे दो कैमरामैन, फिलहाल तो मैंने पकड़ रखा दिखी है, तू भी दिख गई है सिफर देख के, मोस्ट वांटेड मुंडा दिखा दे। हाँ भाई कैसी लग रही है बिरयानी? बिरयानी तो ठीक है पर इसने तेल इतना भर रखा है, बिरयानी खाने के बाद ना अपनी पूरे शरीर की ऊद कर सकूं, क्या मैं मालिश इसकी भी हो जाएगी, तीन आदमी की मालिश हो जाएगी, उसके बाद एक भैंस की हो जाएगी, इतना तेल है। मेरे पैर की कर दे। और भाई थोड़ा आपको गांव दिखाया जाए, हरी भरी क्या हरियाली, गांव की अलग होती है और शहर की अलग। क्या बोलता है, दिखता नहीं है कहाँ खड़ा हूँ, किससे बात कर रहा। ड्राइवर साहब मजा आ रहा है अपने गांव में, रास्ता भटक गया पता है, फुल काब्ज़ हो गए लौंडे के। भाई मेरा सेकंड मील का जुगाड़ भी हो गया यहाँ पे, ये व्रत के आलू और ये दही, क्लीन कार एकदम। और ये दो चेन्नई सुपर किंग, और ये हमारे सपोर्टर प्रोग्राम के आयोजक, इनकी मदद से हमें ये मील का वो मिला है। और भैया हमारी उरी भगोना भर के घी, थैंक्स टू ऋतिक एंड सोलर सप्लीमेंट। तो अब हम भाई जा रहे हैं कहाँ, ट्यूबवेल पे नहाने, गांव आओ और अपने ट्यूबवेल में ना नहाओ तो फिर तो बेकार है, तो यू आ रहा पानी तो इधर से आ रहा है, इधर है तो पानी किधर से ही आए, रास्ता पता है तुझे? अगला वाला अगले से चल, अरे फोन करके पूछ ले। तो अभी हम आपको दिखाते हैं नहाने धोने का हिसाब कैसा रहता है गाँव में, ऐसा तो हम अपने आप ही नहाले हैं, उसका भी दिखा देंगे किसी दिन। रास्ता भटक चुके हैं, मैंने उससे कही पूछ ले, फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस तो हो रहा, फिर भटक गया, फिर भटक गया अपने गांव में, दूसरी बार रास्ता भटक गया। ये खेत बड़े हो रहे हैं, कोने का खेत है, बस हो जाऊं, नहीं रास्ता है उसकी तरह करते हैं क्या, धमाल की तरह स्पीड होगी, स्पीड होगी 120 जाएगी, कोई भूत थोड़ी है। लद्दाख के रास्ते बहुत कच्चे होते जा रहे हैं, ट्यूबवेल पे लाने की बात है, कहाँ लाया दोनों तीनों भाई को, कोई रस्ता कोई रास्ता ना, दूर दूर तो यहाँ बीच बीच फंसा मारा। भाई एक घंटे भटकने के बाद और 40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमें एक यूट्यूब वेल मिल चुकी है। अब अभी हम भाई गर्मी में हो रहे हैं, पसीने वसीने आ रहे हैं, तो पहले तो हम 5 मिनट रुकेंगे, अपना बॉडी टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल करेंगे, उसके बाद नहाने जाएंगे, वरना बीमार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे। बाकी हम आपको दिखाएंगे अपना अभी नहाने वीने का, उसमें ही कुछ वीडियो भी बनाएंगे, वो सब अपलोड कर देंगे, उसके लिए आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और बाकी के अपडेट्स आते रहेंगे इंस्टा पर भी और यूट्यूब पर भी, तो फटाफट कनेक्ट कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अब भाई इसका हो रहा है प्रोटीन इंटेक, भाई मैं अपना ले रहा हूँ प्रोटीन इनटेक, और यहाँ पे क्या नाम है शेकर, हम लाए अबे पानी भी ना लाए हम, बता दे बहुत बड़े तो क्या होगा इसमें प्रोटीन भर गया, अब वहाँ घूमते डोलेंगे पानी लेने, अरे यार तो
भाई अपना एक इससे क्या सीखने को मिलता है तुम्हें, अपना कहीं भी जाओ तो प्रोटीन और शेकर जरूर लेकर जाइए। अनफ्लेवर्ड है भैया, देख रहे हो भाई, अनफ्लेवर्ड है, स्वाद ना है कुछ भी, ऐसा लगा अजीब सही, मतलब अंडा मिला दिया ना पानी में ऐसा टेस्ट आ रहा है इसमें, खाने को अनफ्लेवर्ड है पर स्वाद और बुरा है, नेगेटिव फ्लेवर है भाई। फिलहाल मैं एक स्कूप ले रहा हूँ, अब मैं वैसे दिन के दो स्कूप ले रहा हूँ। एक स्कूप कितने ग्राम का बता दें? एक स्कूप है भाई इसमें 33 ग्राम की सर्विंग है और 26.5 ग्राम प्रोटीन है और 119 या 20 कैलरीज में, तो आइसोलेट का जो है ये फ़ायदा होता है उसमें कैलरीज बहुत कम है और प्रोटीन बहुत हाई मिल जाता है आपको, प्लस मैग्नीशियम वैग्नीशियम इसमें कैल्शियम वैल्शियम बहुत काफ़ी कुछ है, इतना है लगभग एक स्कूप में आधा गिलास करीब, और ये मुझे दे रहा 26 ग्राम प्रोटीन। आज का इंटेक बड़ा भारी पड़ा भाई, निपटाना, केले खाए मैंने, उसके बाद आलू दही छोले चावल और कुछ खाया, और थोड़ा बस एक रायता दिया था, और क्या खाया मैंने, बिरयानी खाई थी एक बीच में कार्ब के लिए, और अगर अभी ज़रूरत पड़ी मुझे तो मैं बस एक बार और प्रोटीन ही लूँगा और कुछ लूँगा नहीं मैं जैसे रात में, या फिर हाँ मैंने सोल्टेड पीनट लेकर रखी है, तो अगर आप बाहर जाओ भाई इंतज़ाम पूरा करके जाना। हाँ इंतज़ाम से मुझे याद आया, मैं एक चीज़ और लेकर चला था अपने घर से इनटेक के लिए, ये ओट्स, तो आप कहीं भी जाओ ना ओट्स रख लेना, काम आएंगे, आप इन्हें पानी में भी लेकर कर सकते हो, फिलहाल मैं आजकल पानी में ही ले रहा हूँ, पानी या दूध किसी भी चीज़ में ले लो, इस हिसाब का प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का हिसाब, बाकी मैं, और हाँ वर्कआउट भाई मैं बोल रहा था वर्कआउट का, आज वर्कआउट का हम वीडियो बना नहीं पाए, हमारा हो भी नहीं पाया सच बताऊँ तो, खाली पुशअप ही मार लिए हमने थोड़े बहुत, और वैसे भी आज का दिन इतना हेक्टिक था क्योंकि हमें भाई रेस्ट ही ना मिल रहा ठीक से, तो फिर वर्कआउट करके करते जाए, मसल रिकवरी हमारी होती नहीं और कार्डियो इतना हो गया, पसीने ही पसीने हो रहे हैं गर्मी में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, अब आपको हम अपडेट देते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाओ, फटाफट 1000 करने हैं भाई, पैक बनाने से भी मेहनत करनी पड़ेगी।